Welcome back to our channel. I am Sailor Rajesh Podbare. Today I am going to give you some information tips about how to do mooring and how to drop anchor. So let's get started. Heading towards the forward anchor station. I am at anchor station. इसको anchor station बोलते हैं और ये है windlass. Anchor का windlass रहता है and ये mooring winch. और कभी भी मूरिंग करते टाइम जैसे हमारा जहाज अभी पोर्ट साइड में बर्थिंग हुआ है तो पहले कभी भी स्प्रिंग लाइन डालना, इसको बोलते हैं स्प्रिंग लाइन. ये वाली लाइन स्प्रिंग लाइन, तो ये इधर से स्ट्रेट नहीं जाती है, ये स्ट्रेट इधर से होके रिवर्स जाती है, वापस स्ट्रेट नहीं जाती. फिर उसके बाद दो हेडलाइन डालने का, हेडलाइन बोले तो ये एक ये और एक ये. तो ये हेडलाइन दो डालने का. सो ये आगे में आप देख सकते हो दो हेडलाइन गई. तो फिर बाद में ड्यूटी ऑफिसर का ऑर्डर आता है कि अभी स्प्रिंग लाइन डालना है कि हेडलाइन डालना है. सो ऐसा होता है एंकर स्टेशन. ये एंकर है, एंकर चेन एंड ये स्पेयर मूरिंग रोप्स, इसको बिट्स बोलते हैं. दो रहा तो बिट्स, एक रहा तो बोलार्ट्स. ये फेयर लीड्स है एंड ये सेंटर लीड, इसको सेंटर लीड बोलते हैं. ये रोलिंग ड्रम्स है, इससे ये घूमता है जिससे अपन रोप्स पे स्ट्रेन नहीं आता है. टू प्रोटेक्ट द रोप्स फ्रॉम डैमेज, इसको रोप खराब होने से बचाता है इसको. ये एंकर स्टॉपर है येलो कलर का, एंकर स्टॉपर. ये एंकर विंडलेस हैंडलिंग लीवर्स है, इसे ऑपरेट करते हैं. और ये एंगेज गियर है, ये ब्रेक लाइनर है, ये गियर डालना पड़ता है. ये एंकर का गियर है, डिसंगेज है सभी अभी. और एक यहाँ पे फॉकस स्टेशन पे लाइफ राफ्ट रहता है. सो ऐसा होता है एंकर स्टेशन. सो एंकर ड्रॉपिंग का प्रोसेस ऐसा है कि जब भी अपन एंकर ड्रॉप करते हैं तो जहाज आगे नहीं जाना मांगता है, अहेड नहीं जाना चाहिए, वो एस्टन में चाहिए. और उसके लिए अपने फ्रेशर्स रैंक को उतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कैप्टन चीफ ऑफिसर कमांड में रहते हैं, उनकी कमांड अपने को फॉलो करना पड़ता है. सो जब भी अपन एंकर ड्रॉप करते हैं, जब फॉरवर्ड जहाज जा रहा है डेड स्लो हेड पर रहा तो उसको स्टॉप इंजन भी करना और स्टैंड बाय में रखना एंकर अबव द वाटर. फिर जब एस्टन लेते हैं अपन वो स्लो एंकर को ड्रॉप आउट कर देना. और एस्टन लेते टाइम कभी भी रडर एंगल स्ट्रेट रखना, ना स्टारबोर्ड पे पोर्ट चाहिए, स्टारबोर्ड 5 चाहिए, ना पोर्ट 5 चाहिए. नथिंग टू स्टारबोर्ड, नथिंग टू पोर्ट, वो स्ट्रेट रडर एंगल चाहिए. सो अगर थोड़ा भी एलिवेटेड रहा सो एक्सीडेंट होने के चांस 100% गारंटी है. सो इसके लिए अपने को रडर एंगल स्ट्रेट रखने का, एस्टर्न जहाज लेते हैं तब एंकर ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. सो एक टिप है, मैं मतलब थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, थोड़ा मैं एक्सपीरियंस, मैं जब भी स्टेयरिंग वगैरह करता हूँ, हैंड्स का स्टेयरिंग करता हूँ, सो उससे मुझे ये बात पता चली. सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू. आई एम गोना शोइंग यू हाउ मंकी आइलैंड लुक्स एंड व्हाट आर द एंटीनास फिटेड ऑन मंकी आइलैंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज़ द मंकी आइलैंड. ऐसा होता है मंकी आइलैंड. ये जो पूरा एंटीनाज वगैरह फिटेड है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप मंकी आइलैंड. ये वॉइस डेटा रिकॉर्डर ऐसा होता है जिसमें पूरा वॉइस का डेटा रहता है. ये DGIS का एंटीना, ये एंटीनाज भी बहुत सारे हैं. ये वेदर फैक्स का एंटीना, ये इरिडियम का एंटीना, इरिडियम. ये VHF का एंटीनास, ये रेडियो का एंटीना, रेडियो ब्रॉडकास्ट. ये VHF का अगेन VHF, ये हाई वोल्टेज. ये क्रिसमस ट्री कंसोल बोलते हैं इसको, ये जो लाइट रहता है उसको पूरा क्रिसमस ट्री कंट्रोल बोलते हैं. वो कंसोल में पूरा लाइट रहता है क्रिसमस ट्री सामान, इसीलिए वो लाइट लगाते ही वो क्रिसमस जैसा ट्री जैसा दिखता है इसलिए. GPS AIS का एंटीना, ये वाला और एक AIS का एंटीना, GPS का और एक एंटीना, ये KVH
ये उसका एंटीना है, उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, इस यहाँ पे लिखा भी है रेडिएशन हाई रेडिएशन, तो इसके दूरी रहना ज़्यादा अच्छा है। नैवटेक्स का एंटीना का ये राउटर है, घूमता है उसे सिग्नल पकड़ साइड पर पकड़ता है, और ये टू का है ना, कुछ मेरे को पता नहीं है, बट ऐसा रहता है मंकी आइलैंड, और वन ऑफ माई बेस्ट प्लेस ऑन माई शिप। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ समंदर में जहाज चलता कैसे, पानी का आवाज़ सुनना आप लोग बस। ये देखिए कितना जबरदस्त, हाउ ब्रिलियंटली द बल्बस इज कटिंग द वाटर, पंजे ढीले हो जाते पानी का आवाज सुन के। सो हमारा ये काम है, यू सी ऑल ओवर द क्लाउड्स रेनिंग सीजन। ये उसके लिए जिसने मुझे बोला था कि पानी का आवाज़ सुन के हमको डर लगता है, पानी का आवाज़ देखिए, किसी ने बोला था मुझे कि पानी की आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता है, तो ये देखिए पानी का आवाज़। नाउ आई एम गोना शो यू हाउ वी प्रिपेयर कार्गो होल्ड फॉर लोडिंग द न्यू कार्गो। सो नाउ वी आर लोडिंग द कार्गो होल्ड बाय ब्रो, इट स्टार्टर ऑर्डर दैट यू मस्ट हैव टू क्लीन बाय प्रेशराइज वाटर, वी हैव यूज द प्रेशराइज वाटर मशीन गन। नाउ दिस मशीन वॉज यूजिंग इन द होल्ड नंबर 1 एंड इन कार्गो होल्ड क्लीनिंग ऑल थ्रू फ्रॉम ऑफिसर्स टू OS, ऑल थ्रू ऑल ऑयलर, ऑल इंजन डिपार्टमेंट helps to clean the cargo hold. So this is how crew is cleaning cargo hold. ये जो दिख रहा है रस्टेड पार्टिकल, यहाँ पे प्रेशर वाइज वाटर मारना पड़ता है। So this is the cargo hold. This is the entrance. This is the entrance of the cargo hold. From here we can enter into the cargo hold. This is the securing. ये जो लाइन दिख रही है वो securing के लिए रहता cargo. शैकल्स वगैरह लगाते हैं ना, अभी स्टील लोड हुआ था वो स्टील कॉइल लोड हुआ था ये वायर रोप से, और ये डैमेज कार्गो होल्ड सिक्योर करने के लिए यूज़ किया, स्टेबल एक लेवल पे लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये डैमेज है, लकड़ा बोलते हैं वो डैमेज। सो ऐसा होता है कार्गो होल्ड ऐसिंग कर रहता। वेट 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 वेट, और ये पूरा इतना माइटी कार्गो होल्ड है, यहाँ पे अपन दो टीम क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं बिंदास। एक क्रू बैठा हुआ है। ओके ओके चालू है, कार्गो ट्रेनिंग चालू है पूरा। ओके कैप्टन कैप्टन ओके कैप्टन न्यूमेटिक एक्वा मशीन प्रेशराइज मशीन, इससे बहुत प्रेशर से वाटर निकलता है। अभी कार्गो होल्ड क्लीनिंग चालू है, कार्गो होल्ड बाय प्रेशराइज वाटर गन। फर्स्ट टाइम एट एवर लोडिंग द जनरल कार्गो ऑन माई बल्क कैरियर शिप, पहली बार मेरे बल्क कैरियर जहाज पे जनरल कार्गो लोड हो रहा है। एंड दिस कार्गो इज टू मच एक्सपेंसिव, यू कॉन्ट अज्यूम द कॉस्ट ऑफ दिस जनरल कार्गो। इसके मतलब कार्गो होल्ड के अंदर स्टील लोड हुआ है, और कोई कोई कार्गो होल्ड में सम जनरल कार्गो इक्विपमेंट है, एंड दिस इज द हैवी लिफ्टिंग कार्गो विच वॉज यूज ऑन द एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट पे यूज होने वाला है, हैवी लिफ्ट का कार्गो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर दिस कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सो दैट्स व्हाई प्लीज अप्रिशिएट सेलर्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।